चल 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 देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के अपने कब्जे सुरक्षित रखी है, किस तरह से अपनी पार्टियों को मजबूत बनाया है। आज सभी लोगों को अनुरोध है कि भारत विधानसभा क्षेत्र की जनता सभी लोग इंडिया की समस्याएं हैं हमारे साथ और पूछेगी हमारे विधायक महोदय आ चुके हैं हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और हम उनसे पूछेंगे कि विधायक जी बताइए कि आपने विधायक बनने के बाद इस सालम विधानसभा की जनता के लिए क्या किया। विधायक जी से पूछेंगे क्या पूरम नगर की गलियों में नलों में पानी नहीं होता है, क्या सालम विधानसभा में पानी नहीं होता है, इसका जवाब विधायक जी पूछेंगे कि हमें हिसाब चाहिए आपने क्या किया चुनाव जीतने के बाद, आप हमें बताओ। आपने यदि जनता आप कहेंगे कि सरकार मेरी नहीं थी तो आपने कभी क्यों नहीं छोड़ी, उसका भी आपको जवाब देना होगा। चुनाव जीतने के बाद में आपने क्या ऐसा काम किया कि इस देश की इस पालन विधानसभा की जनता आपको विधायक दोबारा से बनाने को मजबूर हो। लेकिन आज हम इसका हिसाब लेकर जाएंगे, जनता हिसाब मांगने आई है। हम सब एकत्रित हैं आम आदमी पार्टी के आह्वान पर माननीय विधायक महोदय जी के सामने इकट्ठा हुए हैं पूछने के लिए, क्यों? क्योंकि हम आज जनता जगी है और पूछने आई है चीफ जेवर से। निकला पावर मकानों से, निकला पावर मकानों से, सवाल पूछेंगे आप जवाब देंगे, आप सवाल पूछ लो मैं कट्ठे जवाब दे। पिछले दो सालों में बिजली के बारे में एक बहुत बड़ा हमारे पास एविडेंस और डॉक्यूमेंट आए थे जिसमें 3% बिजली के दामों को कम करने की बात हुई, तो एज ए विधायक आपने क्या कोई ऐसा प्रश्न विधानसभा में उठाया जिससे कि जो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की बात हो रही थी कि बिजली के दाम अगर आज 2013 में देखिए तो 50% कम होने चाहिए, अगर आप बैलेंस शीट और आउट ऑफ बैलेंस शीट जो करेक्शन किया है डीआरसी के उस रिपोर्ट के जिसको बाद में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने वापस करवाया, ये बात जो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है,
उसका जवाब आप दीजिए। ऐसा है, अभी हमारे शर्मा जी बड़े जोर शोर बोल रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे साथ ये अत्याचार हुआ। मैं कह रहा हूँ जो मुझे मिलने के लिए 19 तारीख को जो पत्रक दिया है उसमें कोई टेलीफोन आपका नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेलीफोन करके मैं टेंट लगा के अच्छी व्यवस्था करता। आप लोग आम आदमी है, हमें नीचे पानी चाहिए और बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कोई गली बनाई। अरे वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, ऐसे नहीं है कुछ आगे हमारे। अरे ऐसा है, जितने लोग यहाँ अभी खड़े हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितने आदमी यहाँ खड़े हैं कभी मेरे पास काम के लिए कौन पढ़ाया आज तक बताओ। अरे एक मिनट, ये तो शर्मा जी है जो जवाब सवाल की बात करते हैं, इनके यहाँ में जब 94-93 में सरकार बनी है। भैया सुन लो भैया, क्या चाह रहे हो तुम, मैं समझ रहा हूँ, मुझे सब पता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। ये जो शर्मा जी है, ये जो खड़े हैं, इनके यहाँ ना पानी की लाइन थी, ना इनके यहाँ बिजली थी, ना इनके यहाँ सड़क थी। ये जो शर्मा जी आम आदमी पार्टी में आज गए हुए, इनके यहाँ ट्रांसफार्मर का उद्घाटन धर्मदेव सोलंकी ने करवाया। सुन लो मेरी बात, सर आपके काम है वो, तो भरोगे क्यों, कौन भरेगा, मेरा काम था खंभे गड़वाना ट्रांसफार्मर लेना। अरे सुन लो मेरी बात, आपने कुछ आप आ जाना चंपा जी, पूरी खुली आपको वो कहता हूँ मैं, हम सब परिवार के लोग हैं, आप सब लोग भी समय दे रहे हो तो आपको कुछ पीड़ा है, परेशानी है, और मुझे खुशी हुई है। हम तो चाहते हैं ये देश में ये जो 64 साल से शासन चल रहे हैं हम जागृति रहे, हम आम आदमी में जागृति आए और लोग समझे सच्चाई को। ऐसा करो ये बात करो, अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने झगड़ा कर लिया है तो बात अलग है। मेरी मैं सबके बीच में कहना चाहता हूँ, सबके बीच में ये टीवी वाले लोग कर रहे हैं, मैं सबके बीच में पूछना चाहता हूँ। इन भाइयों ने कहा कि आप विधानसभा ले जाते, अगर मेरी 95-96% हाजिरी अगर नहीं हो तो जो आप कहोगे मैं उसका जुर्माना बैठाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति का जाने।
बता दें, आप अपना पानी का विधायक जी बता दें कि इनके अनुसार कहाँ कहाँ पानी आ रहा है और कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। इनके अनुसार ऐसा है, 3 साल पहले 7 नगर में 4 साल पहले 1 बूंद पानी नहीं था। हमने वो पानी सागरपुर से लाइन आई हुई थी, 7 नगर को जोड़ा और मंगलापुरी गांव तक आकर के जितना एरिया था लगभग 90%। आप नोट कर ले, अगर कोई भी बात मेरी, अरे सुन लो मेरी, अरे सुन लो, एक एक करके जवाब आप आगे आ जाइए, आगे आइए। 90% पानी है, 10% में आज भी 7 नगर में जो वार्ड है उसमें पानी नहीं है। उसमें 400 के लगभग टैंकर है, मैं आप उनके पॉइंट बता सकता हूँ। फिर भी लोगों को कई जगह टैंकर भी नहीं मिलते, कई जगह ट्यूबवेल भी नहीं मिलता, का भी नहीं मिल पाता, पानी दिक्कत है। बिल्कुल सही बात राम, अरे बात छोड़ो रहा, दिल्ली में अगर यही हाल रहा, हम लोग अगर नहीं समझे बात को तो हरियाणा बंद कर दे, हमारा पानी तो है नहीं हरियाणा। अरे टीवी में क्या करोगे, मैं टीवी वाला नहीं हूँ, मैं तो आपके साथ। अच्छा इसके बाद में अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे सड़क नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, अभी सुन लो एक मिनट, अच्छा पानी की बात पूरी कर दो, ये तरीका नहीं है कोई। आपने जो अपने पॉइंट मार के वो न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, जो भी आपके बीजेपी के जो खास लोग हैं उनके आपने टैंकर भेज के पॉइंट बना रखे हैं। कल हम लोग जूनियर इंजीनियर सिन्हा के पास गए, उसने अपने मुंह से कहा, अरे बात सुनो ना, ए भैया देखो, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुने, अगर ऐसी बात है तो भगवान आपको प्रसाद देगा। मैं दादा देव मैं मानता हूँ, जब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, श्री दादा देव मंदिर पर आए थे, मैं दादा देव की कसम उठा कहता हूँ, एक भी टैंकर ना मेरे हाथी वाले का ना मेरे किसी हाथ वाले का आज तक नहीं काटा, एक भी टैंकर। और कभी ये पूछ के टैंकर नहीं दिया कि तुमने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, कभी नहीं दिया, कभी नहीं कहा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चलो भाई मैं कह रहा हूँ, अगर कोई गलत फहमी आपके दिमाग में है आप 100 पॉइंट मुझे लिख के दो, मैं 3 टैंकर 100 पॉइंट में भिजवाऊंगा। कौन सी पानी है, बताओ बताओ ये तो आप जानो, विनोद शर्मा ने पाइप तोड़ दिया,
आप जल रोड चलो, मैं बताऊंगा। आप लाइन तोड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा सी है, पानी है क्या, बताओ क्या है। पानी से पानी कहाँ से आ रहा है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बात लगे किसी लाइन में पानी है और आपको पानी पहुँच सकता है, मैं आपके साथ जाके टैंकर में पानी पहुँचता है। टैंकर में पानी कहाँ से आता है? पाइप में क्यों डालते हैं उनको? टैंकर में पानी कहाँ से आता है? ये सही बात है और यही बात मैंने